आईपीएल 2023 के आठवें मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान को 5 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 4 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन की नवा 86 रन। राजस्थान रॉयल्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए और 5 रन से यह मुकाबला हार गए। टॉस जीतकर राजस्थान ने पंजाब के पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तेज अर्धशतक शुरुआत की। प्रभ सिमरन ने तेज बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। 90 के स्कोर पर पंजाब को पहला झटका लगा। प्रभ सिमरन ने जेसन होल्डर के बटलर के हाथों कैच करवाया, उन्होंने 60 रन बनाए। हालांकि शिखर धवन ने एक छोर संभाल रखा था, तेजी से रन बनाए जारी रखा। एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब 200 का स्कोर आसानी से पार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस शर्मा ने 27 रन पर योगदान दिया। इसके साथ कोई भी बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लगा पाया। शिखर धवन ने 86 रन बनाए। पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए। राजस्थान को जीतने के लिए 158 रन की जरूरत थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत खराब रही। ओपनिंग करने आए अश्विन बिना खाता खोले आउट हो गए। यशवी जायसवाल 11 रन के योग पर आउट हुए। बटलर का भी बल्ला खामोश रहा और 19 रन पर बनाकर एलिस का शिकार बन गए।